Cheeks and glowing skin is a girl's dream, and you can make true your dream with this pinkish natural facial. Dear everyone, alaikum welcome back to my channel, Elas Words. So, today in this video, I will share with you a magical facial for pink and glowing skin. Fruit facial will remove all the dead skin, darkness, white blackheads black hairs, and make your skin glowing, healthy, and pink. सो लेट स्टार्ट तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन जो है अगर सेंसिटिव है और आपकी स्किन केमिकल बियर नहीं कर सकती और हर्बल या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ आपकी स्किन को हम ग्लोइंग हेल्दी फ्रेश और सेम एज इट इज़ फेशियल का जो रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं मैं आज की वीडियो में आपके साथ यही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ डोंट्स कीप एनी स्टेप ऑफ दिस वीडियो क्योंकि इस वीडियो के थ्री स्टेप्स हैं वन क्लिनजिंग सेकेंड स्क्रब एंड थर्ड फेस मास्क और तीनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावरफुल हैं आपकी फेस स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपने ये जो तीनों स्टेप हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि किचन में आपके इजीली अवेलेबल होते हैं उन्हीं के साथ हमने प्रिपेयर करना है स्किंग फेशियल को बनाने के लिए हम कौन सा फ्रूट यूज़ करने वाले हैं वो है स्ट्रॉबेरी जी फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ हम ये नेचुरल जो हमारा फेशियल है वो प्रिपेयर करेंगे स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेचुरली अगर आप की बॉडी में ब्लड की कमी है या आपकी जो आ, कलर कॉम्प्लेक्शन है पेल है तो स्ट्रॉबेरी का यूज़ आपकी बॉडी में ना सिर्फ पावर देता है खून की कमी को पूरा करता है बल्कि आपकी जल्द में सुरखी माइल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी बढ़ाता है स्ट्रॉबेरी के ये नेचुरल एक्सपिलटर है एज आ स्क्रबर हम इसे यूज़ कर सकते हैं और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को बेनिफिट्स दे सकती हैं तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपने जो फ़्रेश स्ट्रॉबेरी है वो तो खा लेनी है येस और जो इस तरह की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं जो आप नहीं खा सकते या आपका खाने का दिल ना करे तो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये वाली स्ट्रॉबेरी आप किस तरह से एज अ फेशियल यूज़ कर सकते हैं और ये कितनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स दे सकती है तो यहाँ पे हमने चार से पाँच स्ट्रॉबेरी जो है उनकी ग्रीन ये जो पत्तियाँ हैं लीव्स हैं वो अलहदा कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑल्पर का दूध ले रही हूँ आप चाहें तो दूसरा दूध मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क जो है वो इतना ले लेना है कि हमारा जो अब मिक्सी है हमने उसमें ये सारा अपना स्ट्रॉबेरी और मिल्क डाल देना है और इसे ब्लेंड कर लेना है जब ये हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया तो इस तरह से हमारा जो पहला स्टेप है यानी कि फ़ेस क्लेंज़र वो बिल्कुल रेडी है बहुत ही आसान फेशियल है और रिज़ल्ट इसके हंड्रेड परसेंट गारंटिड श्योरिटी रिज़ल्ट हैं आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमने इसके अंदर क्या मिक्स किया है वो हमने मिक्स किया है हनी नेचुरल प्योर हनी हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फाइव से सिक्स ड्रॉप्स हनी के ऐड करेंगे अपने फेस क्लेंजर में और फिर इस तरह से अपने फेस पर आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे क्लेंजर से आपने तकरीबन सिक्स से सेवन मिनट्स तक अपने फ़ेस क्लिनजर को इस तरह से यूज़ करना है अभी मैंने आपको फेस पर बताया था किस तरह से क्लीन करना है लेकिन मैं असल डेमो जो है अपने हैंड पर आपको देने लगी हूँ कि आप ये क्लिनर किस तरह से यूज़ करेंगे और इसकी क्लिनजिंग करेंगे जब आप इस क्लिनजर को लगा लेंगे इस तरह से अपने फिंगर से सॉफ़्ट हैंड्स के साथ फिंगर्स के साथ आपने पूरे फ़ेस को क्लीन कर लेना और फिर टिशू से हमने इसे साफ़ कर लिया है सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है हमारा फेस स्क्रबर यानी एक्सफिलटर तो यहाँ पे आपने ले लेना है सीरीलैक यानी कि जो गंदम का सीरीलैक होता है जो बेबीज़ को हम खिलाते हैं या फिर आपने एवरीडे दूध मिल्क जो सूखा दूध होता है वो ले लेना है और थर्ड अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसमें चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं अब आपने एक स्ट्रॉबेरी ले लेनी है जो कि थोड़ी सी हार्ड हो क्योंकि हम इससे एक्सफुलट करने वाले हैं अपने पूरे फेस को एज अ स्क्रबर यूज़ करने वाले हैं गंदुम का आटा या चावल का आटा नेस्ले सीरी या एवरीडे दूध जब भी आप इसे अपने फेस को एक्सफोलिएट करेंगे स्क्रब करेंगे ये एज़ अ स्क्रबर बहुत अच्छे हैं आपके जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइट टच देने के लिए और आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए नीट एंड फ्रेश करने के लिए और सारी जो आपकी फेस स्किन है डेड स्किन उसे रिमूव करने के लिए वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को बिल्कुल रूट से ख़त्म करने के लिए बहुत नेचुरल स्क्रब है बहुत अच्छा स्क्रब है तो वही टाइमिंग आपने फ़ाइव से सिक्स मिनट्स अपने पूरी फेस स्किन को एक्सप्लीट कर लिया है अब जी हम अपना थर्ड जो फेस मास्क है वो यूज़ करेंगे उसको तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हमने वही पहला जो फ़ेस क्लिनर बनाया था उसमें से एक स्पून हमने ले लेना है वही फ़ेस क्लिनर जो मिल्क हनी एंड स्ट्रॉबेरी को मिक्स कर कर मिक्सचर उसका एक टेबल स्पून हमने वो ले लिया है उसके बाद हमने इसके अंदर गंदुम का आटा यानी कि वीट फ्लोर ले, ले लेना है गंदुम के आटे के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके फेस को नेचुरली इंस्टेंट ग्लोइंग का वर्क करता है आपके फेस पर और इसी के साथ आपकी जो फेस की तमाम डेड स्किन है उसे रिमूव करता है है और एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है अब हम इसमें योगर्ट यानी कि दही मैं यहाँ पे नेस्ले यानी बाहर की जो दही है योगर्ट उसका यूज़ करी हूं अगर आपके पास होम मेड है यानी कि आपने घर पर जो दही बनाते हैं वो आपके पास है मौजूद तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हमने दही का ऐड किया है गंदुम का आटा ऐड किया है और बाकी इसमें जो हमारा फ़ेस क्लिनर था उन तीनों का मिक्सचर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और हमारा फ़ेस मास्क बिल्कुल रेडी है जब हम अपने स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू यानी कि एक्सफुलटर और क्लिनज़र को कंप्लीट कर लेंगे फिर हमने अपने फेस पर इस तरह से एप्लीकेशन करनी है पूरे फेस पर इस मास्क की और तकरीबन पंद्रह मिनट तक फिफ्टीन मिनट्स तक आपने इस मास्क को अपने चेहरे पर फेस पर लगे रहने देना है और उसके बाद लाइट हैंड्स लाइट फिंगर्स के साथ इस तरह से पूरे फेस की आपने एक एज अ फेशियल जैसे हम स्टेप्स करते हैं वो सारे स्टेप करने हैं अपने फेस पर और उसके बाद आपने इसको कर देना है रिमूव एंड बिलीव मी इसके शॉकिंग पिंक रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपकी स्किन फेस स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ग्लोइंग जैसे आपने कोई पिंक टिंट यूज़ किया हो या आपके फेस पर आपने कोई ब्लश हाइलाइटर कुछ इस तरह से यूज़ किया है इस तरह से आपकी स्किन ग्लो करती हुई पिंकिश जैसे बेबी नेचुरल स्किन होती है नज़र आएगी तो ये था हमारा नेचुरल स्ट्रॉबेरी फ्रूट पिंक स्किन फिशल आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह का ब्यूटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हाफिज़ बी हैप्पी